Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss the keyword that are taken from the chapter sound given in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. So the first word we are discussing is amplitude. So let me tell you, if this is a oscillatory, in the oscillatory motion or in the case of vibration, जैसे ये पेंडुलम है, अब ये रेस्ट कर रहा है, सो इट इज़ लाइंग ऑन द पोजिशन ए व्हेन इट विल मूव टू द राइट डायरेक्शन दैट इज़ बी. सो द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कवर फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि मेन पोजिशन से. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. और आपको बहुत अच्छे से ये याद रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप होता है लाउडनेस के साथ होता है, और लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल, राइट. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो जो है लाउडनेस ऑफ साउंड होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. सो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो अगर लाउडनेस आपने किसी चीज़ की डबल कर दी है तो आपका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2^2, दैट इज़ द 4. तो अगर आपने किसी चीज़ की जो है लाउडनेस 4 times कर दी एम्पलीट्यूड, सॉरी, अगर आपने 4 times कर दिया है तो आपकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, 16 times, right? So this is how amplitude and loudness are related to each other. The second term that we are going to discuss is eardrum, जिसको हम tympanic membrane भी बोलते हैं. It helps us in listening. और ये जो है eardrum जो होता है हमारा एक main part होता है, जिसमें जो vibrations होती हैं when the sound waves travel from the auditory canal. तो जो है eardrum के बाद जो है ये जो है अपने signals या अपनी जो vibrations हैं वो pass करता है to the 3 bones of the middle ear, जिसको हम बोलते हैं malleus, incus and stapes. Stapes जो है हमारी सबसे छोटी हड्डी कहते हैं हम अपने शरीर की. तो वो जो तीनों हड्डियाँ जब वाइब्रेशन होती हैं, मोशन में आती हैं, तो वो जो है आगे जो है इम्पल्सिस कॉकलिया को जाती हैं. कॉकलिया जो है इसके वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई करता है, और जो उसका फ्लूइड होता है वो जो है ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके भेजता है, और जो हम सुन पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व. और जो है ऑडिटरी नर्व हमें सुनने में हेल्प आउट करती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटरी नर्व जो है हमें सुनने में मदद करती है. द नेक्स्ट इज़ द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 second, राइट. सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन. सपोजली दिस इज़ द मेन पोजिशन एंड द बॉब वेंट from here to A to B, then B to C, then again came to A, we calculate it as 1 vibration, जिसको हम बोलते हैं it is the one, now it is 1 frequency, right. What is frequency? The number of vibration made in 1 second. अगर ये जो है object 1 second में 2 बार इस तरीके से घूमता है तो हम बोलते हैं कि इसकी frequency 2 है. अगर यही bob 5 बार घूमता है 1 second में तो हम बोल देंगे कि इसकी frequency 5 है, राइट. व्हाट इज़ हर्ट्स? हर्ट्स वो क्या होता है, ये यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का. सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स. सो हम ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक 1 vibration पर सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 hertz. जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 vibration पर सेकेंड में कन्वर्ट करेगा, 1 बार वाइब्रेट करेगा 1 second में, हम वो कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी जो है 1 hertz है, राइट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. द नेक्स्ट वर्ड इज़ द लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. हम लोग, इंसान इसीलिए बोल पाता है क्योंकि उसके लैरिंग्स का जो है वाइब्रेशंस होती हैं. किसी वजह से जो है अगर हमारा लैरिंग्स को पैरालिसिस हो जाता है तो हम लोग कभी भी बोल नहीं पाएंगे. ऐसी टर्म को हम बोल सकते हैं कि एफेजिया, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्पीच. सो लॉस ऑफ द स्पीच कैन बी बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड, राइट. क्योंकि लेरेंक्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है, उसके ऊपर जो होती हैं वोकल कॉर्ड होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, राइट. द नेक्स्ट टर्म इज़ द लाउडनेस. लाउडनेस हम ये कह सकते हैं कि जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर. जितना किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की लाउडनेस ज़्यादा होगी. सो व्हाट इज़ मेंट बाय नॉइस? द अनप्लेजेंट साउंड दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉइस. जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे शोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉइस. सो ऑसिलेशन, इट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑसिलेशन. वट इज़ पिच? सो पिच जो है ये जो है फ्रिक्वेंसी के साथ इसका रिलेशनशिप होता है. इट इज़ रिलेटेड टू द
हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी ज़्यादा पिच होगी उसनी जो है उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि एक ड्रम की जो है पिच होती है वो कम होती है, जबकि एक विसल की पिच ज़्यादा होती है। तो पिच ये क्या है, एक परसेप्टिव है जो हम सिर्फ परसीव कर सकते हैं। जैसे कि हारमोनियम की कुछ कीज़ होती हैं लेफ़्ट हैंड साइड वाली कीज़ होती हैं, देन दे आर ऑन द राइट हैंड साइड कीज़। लेफ़्ट हैंड साइड ऊंचा सुर देगी आपको सा, जबकि अगर वही चीज़ आप राइट हैंड साइड पे उसी नोट को क्लिक करोगे तो दैट साउंड विल बी सा। सो दिस इज़ हाउ पिच, जो पहले बोला दैट वाज हैविंग हाई पिच तो हम बोल सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी। तो लास्ट सेकेंड वाले में सा जो बोला दैट वाज अ लो पिच या लो फ्रिक्वेंसी, राइट। सो व्हाट इज़ टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन, राइट। कितना जो है टाइम पीरियड लगता है, दैट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जो फ्रिक्वेंसी है उसका रिलेशनशिप होता है टाइम पीरियड के साथ होता है। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी कम, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम। सो दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है सो दैट रिजल्ट इन द साउंड। व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स इज कॉल्ड अवर वॉइस बॉक्स, जहाँ पे जो है ध्वनि प्रोड्यूस होती है इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज़ विंड पाइप, व्हाट इज़ विंड पाइप, विंड पाइप जिसके थ्रू जो है हमारी, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, वी हैव द टू पाइप्स इन अवर बॉडी। अगर हम माउथ को अगर खोलते हैं, वन इज़ ट्रेकिया एंड वन इज़ दी ईसोफेगस। ईसोफेगस इज़ रिलेटेड टू दी फूड, ईसोफेगस में ओ आता है तो फूड में भी ओ आता है। तो जो ट्रेकिया है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, राइट। ट्रेकिया इज़ कॉल्ड एज द विंड पाइप। तो जो है हमारे लंग्स से जो है हवा ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होती है, ऊपर को पास आउट होती है, राइट। सो नॉर्मल जब हम सो रहे होते हैं, और वी कैन से वन वी आर नॉट टॉकिंग, तो जो नॉर्मल जो है हवा का एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू नोज एंड द विंड पाइप, दैट जनरली डजंट प्रोड्यूस एनी नॉइस या साउंड, राइट। सो जो विंड पाइप है दैट इज दैट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, जो है हमारी साउंड वेव्स को जो है ऊपर नीचे जो है ट्रांसमिट करती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।